Son, I'm a baby. Sir. आज के कार्यक्रम का मैं आखिरी वक्ता हूँ, इसके बाद धन्यवाद ज्ञापन होकर कार्यक्रम पूरा होगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, यह बात मुझे कार्यक्रम में आने के बाद पता चली। मैं तो कार्यक्रम में इसलिए आया कि रुझान बहन का उत्साह, उनकी स्प्रिट, उनकी लगन, उनका इन्वॉल्वमेंट इतना रहता है कि उनकी बात को इनकार करना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं कार्यक्रम में आऊं और मैं आपके बीच में मौजूद हूं। मुझसे पहले कई महानुभावों के बहुत अच्छे वक्तव्य हो चुके हैं। अभी अभी हमारे मेयर साहब श्री गौतम भाई शाह जी का वक्तव्य हुआ, श्री पालवी जी का, डॉक्टर हरबीन अरोड़ा जी का वक्तव्य बहुत अच्छा था, बहुत प्रेरणा देने वाला था। डॉक्टर नितिन सुमंत शाह जी यहाँ हैं, श्री हरिओम गांधी जी हैं, माननीय मयंक पटेल जी हैं, डॉक्टर दीपक शिशु हैं और इतनी बड़ी संख्या में आप देश की युवा शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और यह कार्यक्रम मुख्य रूप से आपको दृष्टि में रखकर ही आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का जो टारगेट ऑडियंस है वह आप सब लोग हैं। कार्यक्रम मुख्य रूप से हमारे युवाओं में और युवाओं में भी महिलाओं में, लड़कियों में, बहनों में आत्मविश्वास और निर्भयता जगाने के लिए किया गया है। हमारी बहनें, बेटियां, महिलाएं, उनमें ये दो गुण आ गए हैं, आत्मविश्वास और निर्भयता, निडरता। तो आप अंदाज लगाइए कि इसमें से बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी ताकत रिलीज होगी और वो समाज को बदल डालेगी, समाज को ट्रांसफॉर्म करेगी। इसलिए समाज को बदलने के लिए जो ताकत चाहिए, उस ताकत को पैदा करने के लिए पहले हमको अपनी युवा पीढ़ी को बदलना होगा और युवा पीढ़ी में खास तौर से अपनी बहनों, बेटियों, महिलाओं में आत्मविश्वास और निर्भयता जगानी होगी। अब यह आत्मविश्वास और निर्भयता किन किन तरीकों से जगाई जा सकती है, इसका एक उदाहरण तो स्वयं रुझान है। उन्होंने जिस तरीके का यहाँ एक छोटा सा डिमोस्ट्रेशन दिया, वो बड़ा लाइव डिमोन्स्ट्रेशन था और वह तरीका या रास्ता बताता है। हम लोग जिस दौर से उतर रहे हैं, इसमें विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बात बहुत कही जाती है। अखबार, पत्र पत्रिकाएं विमेन एम्पावरमेंट विषय से भरे रहते हैं, लेकिन विमेन एम्पावर के लिए जहां और बहुत सी चीजें करने की हैं, जिनकी ओर रुझान ने संकेत किया, अन्य वक्ताओं ने भी संकेत किया, वहां सबसे बड़ी बात तो ये है कि महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को देखने का हमारा नजर, उनके प्रति हमारे मन में एक सम्मान का भाव जगे। हमारे यहाँ ऐसे बहुत से श्लोक
जिसमें नारी के समान बात कही गई है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते अरवन्ते तत्र पूजयन्ते देवता, ऐसी कुछ पंक्ति है, जहां नारियों की पूजा होती है यानी उनके प्रति सम्मान का भाव होता है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन ये बात हमारे आचरण और व्यवहार में उतरे ये जरूरी है और नारियों को देखने का नजरिया बदले ये बहुत जरूरी है। ये सब कार्यक्रम जिनका आयोजन किया गया ये नारियों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलने वाला कार्यक्रम है। अभी रुझान बहन ने 1091 कार्यक्रम का जिक्र किया और एक बात यहां एक और वक्ता ने कही, उन्होंने कहा कि पुलिस और सिविल सोसाइटी इनको मिलकर काम करना है, आप लोग बिना वर्दी वाले पुलिसकर्मी बने और पुलिसकर्मी वर्दीधारी नागरिक बने, तब समाज में सुरक्षा का माहौल पैदा करने में बहुत मदद मिलेगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने लाभ और नुकसान, फायदे और नुकसान दोनों पहुंचाए हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनके लिए भी मददगार है और जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनसे निपटने वाली शक्तियों को भी ताकत देते हैं। तो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके समाज में से इस प्रकार के क्रिमिनल मानसिकता को दूर करने के प्रयास में सब मिलकर लगे। इसके लिए जो एफर्ट करने की जरूरत है वो एक तरफा एफर्ट से बात बनेगी नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव एफर्ट की जरूरत है। सरकार के करने का काम भी है और सरकार ने कदम उठाए भी है, लेकिन बहुत सी एनजीओज और सामाजिक संस्थाओं के करने के काम भी हैं। ये एनजीओ और सामाजिक संस्थाएं और सरकार मिलकर ये सब काम करें, खासतौर से कॉलेज यूनिवर्सिटी एक इस प्रकार का इंस्टीट्यूशन है जहां पर एक स्थान पर बड़ी संख्या में युवा बहनें भाई स्टूडेंट्स इकट्ठे समय बिताते हैं। तो यूनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा रोल हो सकता है इस प्रकार की अवेयरनेस को फैलाने में। इसलिए आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के प्रति ही एड्रेस्ड है, संबोधित है। ड्रग्स की बात कही गई, मनुष्य में सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां रहा करती हैं। अब एक तो डर दिखाकर भय दिखाकर हम उन नकारात्मक या नेगेटिव प्रवृत्तियों को दबा सकते हैं, ये पुलिस का काम है, ये कानून का काम है। एक दूसरा रास्ता है वो है जागरूकता फैलाकर, एक अवेयरनेस पैदा करके हम इन नकारात्मक प्रवृत्तियों को कम कर सकते हैं। और ये अवेयरनेस फैलाना, जागृति फैलाना, ये मुख्य रूप से सामाजिक संस्थाओं का काम है। ये रुझान जैसी स्पिरिटेड बहनों का काम है, ये सब आपका काम है। तो सरकार एक और आपके अपने प्रयास दो। इसके अलावा एक तीसरी चीज भी है और वो ये है कि हम जिस प्रकार की शिक्षा अपने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्कूलों में दे रहे हैं, क्या वो शिक्षा हमारे भीतर कुछ पॉजिटिव कुछ सकारात्मक संस्कार पैदा करती है कि नहीं करती। हम वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं, हम नैतिक शिक्षा की बात करते हैं,
हम कहते हैं कि शिक्षा हमारे भीतर अच्छी सकारात्मक सोच पैदा कर सकती है। क्या ये काम शिक्षा कर रही है? नहीं तो शिक्षा को भी बदलने की आवश्यकता है, उसमें भी आवश्यक सुधार करने की जरूरत है। बहुत से धर्म गुरु, बहुत से धार्मिक लोग, वे भी एक मन को सही दिशा देने का काम करते हैं। गुजरात में तो मुरारी बापू जैसे बहुत संत हैं, जिनकी कथाएं मनुष्य को जीवन की सही दिशा चुनने में मदद मिलती है। इन विभिन्न उपायों से हम अपनी युवा शक्ति के अंदर कुछ अच्छी सोच जगा सके, ये जरूरी है। मैंने एक कार्यक्रम में एक बात कही थी, उसका मैं जिक्र यहां करता हूं। हम लोग गीता की चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन गीता पढ़ते नहीं। गीता का 16वां अध्याय है। गीता के 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। एक को उन्होंने दैवी प्रवृत्ति, डिवाइन क्वालिटीज कहा है, और दूसरे को उन्होंने आसुरी प्रवृत्तियां, एक डेमोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है। तो ये दैवी गुण और आसुरी गुण ये मनुष्यों में होते हैं। और फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं कि दैवी गुण कौन कौन से होते हैं और आसुरी प्रवृत्तियां कौन कौन सी होती हैं। मुझे लगता है कि अगर हम सब लोग गीता का 16वां अध्याय जब तक पढ़ लिया करें, रोज पढ़ सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो जब तक पढ़ लिया करें, तो हमको ध्यान में आएगा कि हमको कौन सी आसुरी प्रवृत्तियां घेरे रखती हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, और कौन सी दैवी प्रवृत्तियां हैं जो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में भी कुल मिलाकर जितनी चर्चा हुई, उस चर्चा में से कुछ अच्छी बातें हैं जिनकी तरफ हम बढ़े, कुछ बुरी बातें हैं जिनकी तरफ से हम हटे, यही तो कहा गया। और गीता के 16वें अध्याय में अच्छी बातें क्या हैं जिनको हम जीवन में उतारें, बुरी बातें क्या हैं जिनसे हम बचे, उसका इतना सुंदर वर्णन है, इतना प्रिसाइज वर्णन है कि अगर वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए तो हम एक पॉजिटिव सोसाइटी, एक स्वस्थ समाज बनाने की तरफ जो बढ़ना चाहते हैं उसमें वह बहुत मदद करेगा। मैं जानता हूं कि हम एक मैटेरियलिस्टिक जमाने में रह रहे हैं, जिसमें हम हमारे जीवन की दिशा भिन्न है, और शायद आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में ये बात कहना कि आप गीता पढ़ा करो और गीता का 16वां अध्याय पढ़ा करो, थोड़ा अटपटा सा लगेगा। लेकिन अगर आप गीता का 16वां अध्याय पढ़ें तो आपको लगेगा कि हमको अपने जीवन की सही राह चुनने में वह बहुत मदद करता है, इसलिए मैं इसकी सिफारिश आपसे कर रहा हूँ। कार्यक्रम बहुत अच्छा है, और इस कार्यक्रम में आज तो समापन हो रहा है कार्यक्रम का। पिछले कुछ दिनों से ये हल्लाबोल कार्यक्रम के माध्यम से स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी कैंपस में, आंगनबाड़ियों में इधर उधर पहुंचने का प्रयास किया गया है, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों से संपर्क करके उनमें जागृति पैदा करने का प्रयास किया गया है। एक जागृत समाज, एक आत्मविश्वास युक्त समाज, एक निडर समाज, साहसी समाज, वही समाज बड़ी ताकत होता है। हम लोग आजकल डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, कहते हैं कि हमारे देश की, भारत की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि हमारे यहाँ पर युवा शक्ति बहुत है।
करीब 50% युवा शक्ति है। अब अगर इतनी बड़ी युवा शक्ति हमारे पास है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमको प्राप्त है, तो ये युवा शक्ति में अगर हम नई ऊर्जा, सकारात्मक दृष्टि, पॉजिटिव आउटलुक जगा सकें, तो एक बहुत बड़ी ताकत इसमें से रिलीज होगी और भारत को ट्रांसफॉर्म करने में, भारत को बदलने में उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में जो आए हैं, वो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, जो मैसेज है, वो लेकर यहाँ से जाएंगे और आप स्वयं जन जागरण के एजेंट बनेंगे। जिस जन जागरण के काम में ये हल्ला बोल रुझान उनकी टीम लगी हुई है, उस सब में आपकी भी भागीदारी बने, आप भी इस जन जागरण के एजेंट बने, ऐसी अपेक्षा रखते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।